सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, सरकार 0/0 है उत्तर प्रदेश में। भाई अभी ये सत्ता में है तो किसान को पीट रहे हैं, और सन 2022 में सत्ता से उखाड़ के किसान शहीद हुए हैं ना, उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी क्योंकि इनको ही उखाड़ फेंकेंगे। भाई हम लखनऊ से हैं और इस सरकार ने जमीन स्तर पे काम ना किया है, ठीक है। अब जमीन स्तर का किसान और मजदूर इनको सन 2022 में चुनाव कर देगा, कुर्सी से आंसने का काम करेगा। 68 का एमएसपी दूर एमएसपी का जो कहते कि मूल्य देंगे, भाई 1100 में किसान का धान गया है और सब्जी इधर उधर फेंके गई है। जो एक पार्ले बनाने वाली बिस्कुट की फैक्ट्री होती है, कंपनी होती है, वो अपने मूल्य खुद क्या कर सकती है। भाई किसान क्यों नहीं करेगा, बाहर की कंपनियां आएंगी, टाई अप करेंगी, और टाई अप का मतलब होता है एग्रीमेंट होगा, जो वो बीज बताएंगे हमको वो बीज बोना पड़ेगा, और हमारे बीज का मूल्यांक हमारी फसल का वो लोग तब तय करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं ना कि आपको फायदा होगा, दुगुना आमदनी हो जाएगी। अरे फायदा इससे बेहतर का है भाई, अगर वो हमारा लेकर भाग जाएंगे तो हम कोर्ट में भी नहीं खड़े हो सकते। अरे ये सरकार अंबानियों की है, अडानी अंबानी की है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हमने बहुत सारा रोजगार दिया, नौकरी दिया, किसानों की आमदनी दुगुनी कर दी। भाई किसान के आमदनी जब दुगुनी की बात कर रहे हो, 1868 रुपए का धान का रेट होता है, अगर छोटा काश्कार 10 क्विंटल बेचता है, 10 क्विंटल अगर उसका 11,000 में गया ना तो उसका 7,000 घट जाता है। अगर गेहूं का रेट 1925 रुपया है, अगर उसका 1200 में गया क्विंटल पे तो उसका 7,000 घट जाता है। 14,000 घाटे में ऐसे ऐसे बड़े काश्कार, तो कितने घाटे में भैया। हमको भीख नहीं चाहिए, हमको हमारी एमएसपी पे गारंटी चाहिए, नहीं तो सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सरकार 0/0 है उत्तर प्रदेश में। जैसे एक कोरोना काल में COVID-19 के काल में इन्होंने एक बढ़िया सा सिंपल बनाया, एक पहला स्टंप, दूसरा स्टंप और तीसरा स्टंप, जैसे इन्होंने बनाया, ठीक है, वैसे किसान इनका स्टंप बनाएगा। इनके जैसे जिला पंचायत प्रत्याशी हारे थे ना, एक स्टंप ये हो गया, दूसरा स्टंप इनका मुख्यमंत्री को हराएंगे, और तीसरा स्टंप प्रधानमंत्री को हराएंगे, और सरकार बदलेंगे, और अपने किसानों की जो हक की लड़ाई लड़ेगा और उनकी मांगे पूरी करेगा उसका फुल समर्थन करेंगे। जय जवान जय किसान। बहुत ही भारी संख्या में किसान मौजूद है।